नमस्कार दोस्तों, गोयल सोइंग मशीन की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले, अगर आप सिलाई करते हो और सिलाई करते करते आपकी निडल बार रुक जाए और आपका व्हील घूमे तो आपको क्या करना चाहिए, इसका हम आपको आज डेमो देंगे। ये अभी चल रहा है, ये देखिए, ये आपका व्हील घूम रहा है परंतु आपकी निडल बार नहीं चल रही है। ये देखिए, व्हील घूम रहा है परंतु निडल बार नहीं चल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। चालू में आपका मशीन बंद हो जाए तो अभी आपको जो करना है वो हम आपको डेमो बताएंगे। सबसे पहले आप मशीन को टेबल से बाहर निकाल दीजिए। मशीन को बाहर निकाल के आप इसको व्हील के पास, इसको स्टॉप मोशन बोलते हैं, वो देखिए, ये स्टॉप मोशन ढीला हो गया हुआ है। इसके अंदर एक वाइसर आता है जो आप देख सकते हैं, ये एक वाइसर है, उसको अभी आपको व्हील बाहर निकाल के हम दिखाएंगे। देखिए, इसको व्हील बूस्ट बोलते हैं और इसके अंदर आटे दिए गए हैं। अब हम आपको इसको सही तरीके से टाइट कैसे करना है वो करके बताएंगे। सबसे पहले आप उसको व्हील रख दीजिए और अब वाइसर ले लीजिए। वाइसर में ऐसे दो खांचे दिए गए हैं, ये वाइसर ऐसे नहीं लगाना है, ये वाइसर ऐसे लगाना है। जो ये दो खांचे हैं वो ये खांचे के अंदर बैठ जाने चाहिए, देख सकते हैं। उसके बाद में आपको ये आटे वाला स्टॉप मोशन लगाना है, इसके अंदर आटे हैं, जो आटे आपके ये आटे के साथ टाइट हो जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। बाद में आपको ये व्हील पकड़ के सही तरीके से टाइट कर देना है और उसको टाइट करने के बाद में उसको पूरा टाइट करने के लिए आपके पास घर में पीछा हो तो भी ठीक है, या हमारे पास पंच है तो हम उसको सही तरीके से टाइट कर देंगे। सही में देखने जाए तो ये हॉल में एक स्क्रू आता है, ये स्क्रू लगाना ज़रूरी है। उससे क्या होता है, इसको स्टॉप मोशन स्क्रू बोलते हैं, फेस का स्क्रू भी बोलते हैं। ये स्टॉप मोशन स्क्रू यहाँ लगाने से आपका वाइसर घूम नहीं जाएगा और ये ढीला होने के चांसेस आपके 99% कम हो जाते हैं। कई लोग ये मशीन में ये स्क्रू लगाते नहीं है, उसकी वजह से उनका स्टॉप मोशन ढीला हो जाता है। ये अभी आपको हम बताते हैं व्हील घुमा के और निडल बार चला के। देखिए, ये हमारा व्हील भी घूम रहा है और निडल बार भी वापस सही तरीके से काम करने लगी। अब हम आपको उसके ऊपर सिलाई करके वापस बताएंगे। तो कभी भी ऐसे व्हील घूमे और निडल बार न चले तो आपको सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि कहीं आपका व्हील तो ढीला नहीं हो गया है ना। अब हम आप मशीन को वापस लगा के चालू करके बताएंगे। ये देखिए, अभी हमारी मशीन कंप्लीट वापस वर्किंग करके हो गई।
अगर हमारे वीडियो में से आपको कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, जिससे आपको हमारी और नई रिपेयरिंग की वीडियो मिल पाए और आप हमारे वीडियो देख पाए। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।